क्या हाल आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस अखिल की फिल्म एजेंट फाइनली रिलीज हो चुकी है। बेसिकली गाइस ये रिलीज कल हुई थी लेकिन मैं देख नहीं पाया, बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा था, लेकिन मैंने देखनी जरूर थी। देखने क्यों थी, क्योंकि इस मूवी की रिलीज से पहले मुझे इतने भाई लोग के दोस्तों के मैसेज थे, कमेंट थे, इवन के कुछ लोगों ने मुझे गालियां भी दी थी। किस वजह से कि भाई हर मूवी के टीज़र का तू रिव्यू करता है, एजेंट की टीज़र का रिव्यू क्यों नहीं किया। क्योंकि मैं टीज़र का रिव्यू नहीं कर पाया था, लेकिन ट्रेलर तो भाई साहब जैसे ही आता गया तो मैंने फ़ौरन ट्रेलर का रिव्यू किया। ट्रेलर अब गाइस मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। मैंने कहा शायद ऑडियंस ही इसके लिए क्रेजी है, देखूँ तो सही फिल्म में क्या। तो जब फिल्म का ट्रेलर आया तो ट्रेलर ने गाइस मुझे काफी एक्साइटेड किया। मींस के जो इंट्रो था ट्रेलर के अंदर अखिल का, वो कमाल का लगा। अखिल की मुझे गाइस जो ड्रेसिंग सेंस थी वो बड़े कमाल की लगी। उसके अलावा ट्रेलर के अंदर बीजीएम बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके अलावा गाइस जो कलर ग्रेडिंग थी स्पेशली टीजर के अंदर वो अच्छी लग रही थी। इवन कि टीजर के अंदर गाइस जो वीएफएक्स थे, कार वाले कुछ सीन आते हैं, वो सारे बड़े कमाल लग रहे थे। मतलब 80 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनाई गई थी, तो लग रहा था कि भाई 80 करोड़ के बजट में इन्होंने कोई टॉप ऑफ द लेवल चीज बना दी है। अब गाइस मैंने फिल्म देखनी थी। आज जब गाइस ये मैंने फिल्म देखी तो लिटरली मैं एक बार हिल कर रह गया कि भाई आजकल दिखाया क्या जाता है और निकलता क्या है। मतलब 2 घंटे 36 मिनट इस फिल्म की ड्यूरेशन थी। और गाइस देखिए ट्रेलर में जो जो चीजें अच्छी थी उनमें से एक भी चीज गाइस मूवी के अंदर अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो गाइस यहां पे मैं टारगेट करना चाहूंगा वीएफएक्स। यार कोई ऐसी थर्ड क्लास कंपनी ने ना वीएफएक्स डिजाइन किए हैं, ऐसे वीएफएक्स बच्चे डिजाइन कर लें। मतलब गाइस कुछ भी वीएफएक्स में एक होता है ना, देखिए गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ पहले क्या होता था, आप मान लें कि 2010 तक या उससे पहले जब मूवीज में थोड़ा बहुत वीएफएक्स यूज किया जाता था, इंडियन ले लो, तो किसी जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट होता था तो साफ फील होता था कि भाई अब यहां पे वीएफएक्स अप्लाई हुआ है। सेम टू सेम गाइज वैसे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी 2023 नहीं, मैं 2013 में बैठा हुआ हूं या 2003 में बैठा हुआ हूं। इतनी ऐसे वीएफएक्स गाइज फील करा रहे थे। दूसरी चीज जो मुझे गाइज मैं हिल गया एक दफा कि यार कितनी प्यारी कलर ग्रेडिंग की गई थी ट्रेलर के अंदर, ऐसे लग रहा था हॉलीवुड लेवल है। लेकिन जब आप मूवी की कलर ग्रेडिंग देखते हो तो आप कहते हो कि भाई इन्होंने एडिटिंग नहीं की क्या। लिटरली गाइज ये सीन थे। उसके बाद एक और चीज जिसने गाइज मुझे, मैं कहता हूं ना कि डायरेक्टर को डायरेक्शन सीखनी चाहिए। यहां पे मैं गाइज आपको ना पठान की एग्जांपल जरूर दूंगा, शाहरुख खान की फिल्म पठान की। आपको आपको पता है, मुझे पता है, छोटे बच्चे को पता है, पर पता है पठान की स्टोरी लाइन कोई यूनिक नहीं थी। वही स्टोरी लाइन, एक एजेंट अपने कंट्री को बचाएगा, ये हम जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं। Yes, लेकिन उसकी जिस टाइप की डायरेक्शन थी गाइस, सारे पैसे उसके थे। वो कट्स, वो डायरेक्शन, वो स्क्रीन प्ले, भाई सारे पैसे उसके थे। अब सेम टू सेम इस फिल्म के अंदर यही है भाई। स्टोरी लाइन है एक एजेंट की, आगे आप लोग समझ गए हो कि वो एजेंट क्या करने वाला है। Yes, लेकिन भाई स्टोरी इतनी सिंपल दिखाई है, डायरेक्शन क्या है, क्या हो रहा है सीन के अंदर, यार कुछ समझ ही नहीं आ रही। मतलब गाइस देखिए एक एजेंट जब होता है ना तो एजेंट की लाइफ को टफ बनाया जाता है। अब शाहरुख खान थे पठान के अंदर या टाइगर के अंदर सलमान खान थे, तो उनकी लाइफ टफ होती है, वो फंस जाते हैं। लेकिन इधर बंदा फंस ही नहीं रहा भाई साहब, पूरी दुनिया में कैमरे लगाए हुए, जहां पे देखना हो देख रहा है। अब मैं स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि कुछ भाई लोगों ने जरूर देखनी है मेरी तरह, तो मैं उनके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता। लेकिन मीन्स के एक एजेंट को सब कुछ ही आप दे दोगे तो वो किस टाइप का फिर एजेंट है यार, कमाल करते हो भाई। एक चीज की मैं तारीफ जरूर करूंगा, वो है अखिल की एक्टिंग। भाई इस बंदे का मैंने ट्रेलर में भी बोला था, भी बोल रहा हूं, इस बंदे में दम है यार। यार सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा इसकी पर्सनैलिटी की, या इस फिल्म के अंदर ये बंदा बहुत अच्छा लग रहा है, या ओवरऑल इसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। क्योंकि मैंने फर्स्ट इनकी ये फिल्म देखी है तो मुझे इस बंदे की पर्सनैलिटी में दम लगता है। मीन्स के यंगेस्ट जितने भी गाइज यंग अभी
एक्टर निकल कर आ रहे हैं, चाहे बॉलीवुड के हों या चाहे साउथ के हों, यार उनमें ना मुझे इस बंदे की पर्सनैलिटी बहुत कमाल की लगी, दम है इसमें। बात वो है कि अब इन यंग एक्टर्स को चाहिए कि कोई अच्छे सा डायरेक्टर ढूंढकर उसके साथ फिल्म बनाए। मतलब देखिए, इस फिल्म को रिलीज होने से पहले मैं डेली सुनता था एजेंट के बारे में, बताओ एजेंट की अपडेट दो, एजेंट का टीजर, एजेंट के सॉन्ग रिलीज हो रहे हैं, एजेंट के ट्रेलर। अब मैंने कहा यार कोई बहुत ही लेवल की फिल्म आने वाली है, लेकिन जब मैं फिल्म देख रहा था मैंने कहा, मैं पता है क्या, मैं हंस रहा था कि यार अखिल के जो फैंस है ना, उम्मीद के उनको बहुत गुस्सा आया होगा। तो गाइस अखिल के फैंस ऑफ कोर्स देखने जाएंगे, लेकिन आप, मैं इतना जरूर कहूंगा, सिर्फ अखिल को देखने जाना। अगर फिल्म को देखने गए तो अपना माइंड बंद कर लेना, तब आपको समझ आएगी, तब आपको मे बी अच्छी भी लगे, नहीं तो 2.5 घंटे इस फिल्म की ड्यूरेशन है और भाई फिल्म मार डालेगी, लिटरली गाइस मार डालेगी आपको। मतलब 80 करोड़ में यार, एक यार साउथ की बहुत सी फिल्में आई हैं, बॉलीवुड को छोड़ दो, साउथ की बहुत सी फिल्में आई हैं जो कि कम बजट में थी, 50 करोड़ से भी कम बजट में, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया कि अनबिलीवेबल सा था। KGF चैप्टर 2 100 करोड़ में बनी है यार, क्या बना दिया था उन्होंने, इधर 80 करोड़ लगा हुआ है, लेकिन भाई क्या हो रहा है ये। तो खैर दोस्तों, भाई मेरे लायक ये फिल्म नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, और मैं भाई ऐसी फिल्में तो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाओ और देखो, लेकिन अखिल के जो फैन हैं उनको ज़रूर मैं कहूंगा कि आप लोग जाएं, अखिल के फैंस हैं तो आपको देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अखिल को, उसके अलावा भाई किसी चीज़ से उम्मीद मत रखिएगा। मतलब अगर मैं यार क्या मैं आपको स्पॉइल करूं, ऐसे ऐसे फनी सीन है ना, मीन्स कि अब फिल्म के अंदर सीन एक्शन वाले होंगे, चल एक्शन रहा होगा, लेकिन आप देख के हंसे होंगे कि भाई ये क्या बनाया यार इन्होंने, मतलब हम बच्चे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं यार, क्या करते हो। तो इस तरह के सीन थे। बाकी गाइस अगर आप में से कोई देख रहा है तो बताओ, अब नो डाउट ये मेरा पर्सनल व्यू था, जैसी फिल्म मुझे लगी मैंने आपको बता दिया। अब गाइस हो सकता है किसी को फिल्म बहुत अच्छी लगी हो, तो मैं उसका नहीं कहना चाहता, हर एक की पर्सनल चॉइस है, तो मुझे जैसा लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी तक के लिए इतनी, होप सबको वीडियो पसंद, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।